दोस्तों सांपों की कई प्रजातियां होती है जिनमें से कुछ बेहद ही विशाल कई सांप होते हैं। वैसे आपको बता दें कि 90% सांप विषैले नहीं होते, लेकिन वे अपनी मजबूत कुंडली की पकड़ से बड़े बड़े जीवों का शिकार आसानी से कर लेते हैं। सांप गाय, हिरण, कुत्ता, मगरमच्छ और यहाँ तक कि इंसानों को भी कच्चा निगल जाते हैं। तो आइए दोस्तों जानते हैं इन सांपों के ऐसे ही खुराक के बारे में। अजगर ने महिला को निगला। इंडोनेशिया मुना द्वीप की 54 वर्षीय महिला एक दिन सब्जियों के बगीचे में गई थी, लेकिन कई देर तक जब वह महिला अपने घर नहीं लौटी तब उस लापता इबा नाम की महिला को स्थानीय लोगों ने ढूंढना शुरू कर दिया। एक दिन बाद लोगों को उनके सैंडल और बगीचे के लिए इस्तेमाल की जाने वाली कुल्हाड़ी मिली। लोगों ने देखा कि बगीचे से 30 मीटर की दूरी पर एक बड़ा सा अजगर बैठा है और उसका पेट खुला हुआ है। यह एक रेटिकुलेटेड पाइथन यानी जालीदार शरीर वाला अजगर था जो बेहद ही शक्तिशाली और 10 मीटर तक लंबा था। स्थानीय लोगों को शक हुआ कि अजगर ने वाटिवा महिला को निगल लिया होगा, इसलिए उन्होंने अजगर को मारकर गार्डन से बाहर ले जाकर जब अजगर का पेट काटा गया तो लोग हैरान रह गए। उसके पेट के अंदर महिला की लाश थी। यह घटना वाकई सभी को डरा सकती है, लेकिन यह बात बिल्कुल सही है। अजगर अपने शिकार को पूरा निगल लेता है। दरअसल अजगर के जबड़े लचीले लिगामेंट से जुड़े होते हैं जिससे वो अपने बड़े शिकार को भी आसानी से मुंह में डाल लेता है। वैसे यह कोई पहली घटना नहीं है, अजगर ने पहले भी कई लोगों को शिकार बनाया है। अजगर ने मगरमच्छ निगला। अजगर इतने खतरनाक शिकारी होते हैं कि वे मगरमच्छ को भी नहीं छोड़ते। वैसे बड़े मगरमच्छ और अजगर का आमना सामना हो तो संभावना यह रहती है कि मगरमच्छ शिकार नहीं बन सकता, लेकिन फिर भी दोनों जीवों के बीच टक्कर जबरदस्त होती है। लेकिन यदि इन दोनों जीवों के बीच ऐसी ही टक्कर जमीन पर हो और मगरमच्छ छोटा हो तब यह अजगर मगरमच्छ को नहीं छोड़ता। देखिए कितने खतरनाक हो सकते हैं ये अजगर। यह छोटा एलिगेटर इसकी जाल में फंस चुका है। आपको बता दें कि अजगर शिकार को कुंडली में जकड़ लेता है और फिर छोड़ते नहीं है, और फिर धीरे धीरे उसे पूरा ही निगल जाते हैं। इस नन्हे एलिगेटर के लिए जान बचाना आसान नहीं है, और देखिए कैसे यह अजगर अपनी भूख मिटाने के लिए इस एलिगेटर को निगल गया। लेकिन यह तो जंगल का नियम है दोस्तों। सांप ने बंदर को निगला। बंदर वैसे तो फुर्तीले होते हैं, लेकिन फिर भी इनके शिकारी भी माहिर होते हैं। यह सांप एक बंदर को निगल रहा है। पहले वह अपनी कुंडली से बंदर को जकड़ लेता है जिससे बंदर छूट नहीं पाता है। सांप का मुंह बड़ा ही लचीला होता है, इस कारण से वह अपने साधारण मुंह से बड़े बड़े शिकार कर लेते हैं। इस वीडियो को देखकर लगता है कि किसी ने इस बंदर को रस्सी से पेड़ की डाली से बांध रखा है। और जब अजगर ने बंदर पर हमला किया तब यह बंदर भाग नहीं पाया होगा। अजगर को एक बड़ा फायदा मिला और उसने अपनी कुंडली में बंदर को जकड़ लिया। बंदर अजगर से बचने के लिए बेहद प्रयास कर रहा है, लेकिन रस्सी से बंधे होने के कारण बंदर के प्रयास व्यर्थ ही जा रहे हैं और यह सांप बंदर पर भारी पड़ रहा है। अब आप खुद अंदाजा लगा लीजिए दोस्तों कि जंगल के इस जानलेवा खेल में कौन विजय होगा, किसका पेट भरेगा और किसकी जान जाएगी। कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अजगर ने हिरण को निगला। दोस्तों अजगर को जब भूख लगती है तो वह बड़े बड़े जानवरों को भी नहीं छोड़ता। अजगर शिकार को देखकर चुपचाप पड़े रहते हैं और शिकार के पास आते ही उस पर हमला बोल देते हैं। आप देख सकते हैं कि अजगर हिरण जितने बड़े जीव को भी निगल जाते हैं। हिरण को यह अपने कुंडली में जकड़ लेते हैं। शिकार के लाख कोशिशों के बावजूद भी वे खुद को अजगर से छुड़ा नहीं पाते हैं। आप देख सकते हैं कि अजगर अब अपना मुंह कितना फैला सकता है। लगभग शिकार का पूरा मुंह अपने मुंह के अंदर ले लिया। सोचिए दोस्तों यह अजगर कितने बेरहमी से अपने शिकार को भोजन बनाते हैं। यह अजगर ऐसे ही धीरे धीरे करके पूरे हिरण को निगल सकता है। वाकई ये शिकारी बेहद ही खतरनाक होते हैं। जंगल में खुद को बचाना बेहद ही कठिन होता है, लेकिन जंगल का तो यही नियम है। दोस्तों यह अजगर धीरे धीरे करके इतना बड़ा पूरा का पूरा हिरण को निगल जाता है। सोचिए दोस्तों जब यह अजगर इतने बड़े हिरण को पूरा निकल सकता है, वह जानवर जो जंगल में पला बड़ा वह इतना खतरनाक जानवर का शिकार बन जाता है, तो इंसान निहत्ते इन जानवर के सामने शिकार बेहद ही जल्द बन सकता है। अजगर ने कुत्ते को निकला। यह अजगर दरअसल यहाँ से इन एक्सपर्ट ने निकाला है। जब ये एक्सपर्ट इस अजगर को बाहर निकाल कर लाए तो जो दृश्य था उसने सबको हैरान कर दिया। इस अजगर का पेट फूला हुआ था और जब अजगर अजीब हरकतें कर रहा था तभी इस अजगर के मुंह से किसी जीव के पैर बाहर निकलते हुए दिखे। देखिए अजगर इसे निकल गया होगा, लेकिन किसी कारणवश यह इसे
वापस शरीर से निकल रहा है। दरअसल यह कुत्ते का बच्चा जिसे यह अजगर निगल गया था। इस पप्पी को पेट से बाहर निकालते ही अजगर फुर्ती से भागने लगता है। सांप और मछली। दोस्तों अब तक आप देख रहे थे कि शिकारी शिकार को अपने मुंह से निगल रहा था, लेकिन यह दृश्य थोड़ा अलग है। यह शिकार खुद को शिकारी से निगलवा रहा है। इस मछली के सामने एक सांप आ जाता है। यह सांप मछली के खुले हुए मुंह में चला जाता है। धीरे धीरे यह सांप अपने आप को मछली के शरीर के अंदर बहुत अंदर तक ले जाता है। इस सांप के शिकार करने का कुछ अलग ही तरीका है। यह सांप मछली के बेहद अंदर तक चला जाता है। शिकारी खुद को शिकार द्वारा निकलवा कर शिकार हो जाता है। यह थोड़ा अजीब जरूर है। सांप ने खुद को निकला। अब तक दोस्तों आप देख रहे थे कि सांप किसी दूसरे जीव को भोजन के लिए निगल रहा था, लेकिन यह दृश्य बिल्कुल ही अलग है क्योंकि यह सांप खुद को ही निगल रहा है। वाकई में यह नज़ारा बेहद ही अलग है। अब यह सांप खुद को क्यों निगल रहा है हमें नहीं पता, लेकिन आप कमेंट में जरूर बताएं कि सांप ने खुद को निगला आखिर क्यों, आखिर क्या ऐसा कारण रहा होगा। साथ ही साथ बताएं कि आप अगला वीडियो किस टॉपिक पर चाहते हैं। इस वीडियो को लाइक करने के साथ साथ अधिक से अधिक शेयर कर दें, और आप यदि हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ऑल नोटिफिकेशन चालू कर लें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।